माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, तो आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट है उस पर विज़िट करके ब्लूप्रिंट चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से 12वीं तक। तो आइए आज देखते हैं कक्षा 12वीं विषय अकाउंट का ब्लूप्रिंट। जी, और यह है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। और ये ब्लूप्रिंट है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र का। अकाउंटेंसी यानी अकाउंट का पेपर होगा आपका 80 नंबर का, समय रहेगा 3 घंटे का, और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट। और इसमें सबसे पहले है साझेदारी फर्म एवं कंपनी का लेखांकन। इस यूनिट से जो है क्वेश्चन आएंगे। और इसमें पहला है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, टोटल 12 नंबर का इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा, और जिसमें से 1 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर इसमें दूसरा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरा है साझेदारी का प्रवेश, इस यूनिट से भी टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरा है साझेदारी की निवृत्ति या मृत्यु, इस यूनिट पार्ट से 8 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर इसमें है साझेदारी फर्म का विघटन, इस चैप्टर से टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर है यूनिट फोर्थ में अंश पूंजी के लिए लेखांकन, इस चैप्टर से टोटल 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, टोटल 16 नंबर का। फिर है ऋण पत्रों का निर्गमन, इस चैप्टर से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर आते हैं सेकंड में वित्तीय वितरण विश्लेषण, इसमें से पहला है कंपनी के वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, इस चैप्टर से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर है लेखांकन अनुपात, इस चैप्टर से टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। और फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण, ठीक है, इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। इस तरह से टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के 32 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर का, और 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे टोटल 12 नंबर का, और 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे टोटल 16 नंबर का, और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 18+5 यानी 23 क्वेश्चन टोटल होंगे आपके अकाउंट के पेपर में। और इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 प्रश्न होंगे, सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक और 1 वाक्य में उत्तर 7 अंक, सत्य असत्य 6 अंक, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, यह विकल्प समान इकाई उप इकाई तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। अब इसमें जब क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको लिखना कितना होगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 30 शब्दों में लिखना है, लगभग 2 से 3 लाइनों में। फिर लघु उत्तरी प्रश्न जो 3 नंबर के रहेंगे उनको आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है, यानी लगभग 7 से 8 लाइनों में। और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उनको आपको 120 शब्दों में लिखना है, यानी लगभग 10 से 12 लाइनों में। अब इसमें 40% प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 40% पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इस तरह से प्रश्न डिवाइड रहेंगे।
और सन 2022-23 में जो पाठ्यक्रम कम किया गया उनसे कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा पेपर में नहीं आएगा। और पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रयोजन कार्य हेतु 20 अंक आवंटित है, यानी जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो आपके पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड रहेगा, यानी प्रोजेक्ट के 20 नंबर रहेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि कौन से पाठ हटा दिए गए हैं या जोड़े गए हैं। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी यानी अकाउंट, और इसमें पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु जो पाठ कम कर दिए गए हटा दिए गए इस साल एग्जाम में नहीं आएंगे उनमें भाग एक में जो पाठ है अलाभकारी संगठन के लेखे, ये जो चैप्टर है पूरा संपूर्ण अध्याय हटाया गया है। फिर भाग दो में जो है सेकंड ऋण पत्रों का निर्गम एवं मोचन, ऋण पत्रों का मोचन शोधन पूर्णतः हटाया गया है, तो ऋण पत्रों का मोचन ये हटाया गया। फिर उसके बाद है भाग दो में चार जो पॉइंट है उसमें वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, जिसमें तुलनात्मक विवरण एवं समरूप विवरण पूर्णतः हटाया गया है, तो ये पॉइंट जो हैं ये पार्ट हटाए गए हैं। फिर नया जोड़ा भी गया है उस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें भाग दो के जो है पांचवा जो चैप्टर है लेखांकन अनुपात ये ऐड किया गया है, ठीक है। फिफ्थ जो है पॉइंट या चैप्टर ऐड किया गया है लेखांकन अनुपात, जिसमें डेबिट टू कैपिटल है ना एम्प्लॉयड रेशियो, फिर है फिक्स्ड असिस्ट है ना टर्नओवर रेशियो, नेट असिस्ट टर्नओवर रेशियो, तो इनको जो है आपको कवरअप करना है यानी आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आपका ये जो है ब्लूप्रिंट था कक्षा 12वीं विषय अकाउंट का, बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।